हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो इंडियन नेवी SSR डबल ए के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसका जो सेकंड शिफ्ट है वो ख़त्म हो चुकी है और मेरे पास जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर जो आपकी फिजिक्स है वो फर्स्ट शिफ्ट से थोड़ी सी इजी बताई जा रही है, ज़्यादा इजी नहीं, थोड़ी बहुत ईजी है। और मैथ्स का लेवल वही आपका मॉडरेट लेवल है और इंग्लिश भी बहुत अच्छी आ रही है करने लायक रागा में। और मतलब कि जो आपका रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आ रही है, बिकॉज उसके अंदर थोड़े बहुत उल्टे सीधे क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। बट वो मैं आपको क्वेश्चन है जो करा रहा हूँ, एक वीडियो आएगी शाम को, उस शाम से पहले ही आ जाएगी 2-3 बजे तक, चार बजे तक, उसमें मैं आपको बताऊंगा मैथ्स और फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में जो भी आए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया कि नासा की फुल फॉर्म क्या है। देखिए, नासा की फुल फॉर्म द नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपका एरोनॉटिक्स इसकी फुल फॉर्म है, ये आपसे पूछी गई थी। सीएम ऑफ गुजरात, गुजरात के सीएम कौन है फ्रेंड्स? विजय रूपानी। कौन है गुजरात के सीएम? विजय रूपानी, ठीक है। रसिया की मुद्रा, देखिए रसिया की मुद्रा है वो है रूबल। क्या है फ्रेंड्स? रसिया की मुद्रा क्या है? रूबल है। देखिए, देशों की राजधानी भी पूछी जा रही, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक का गवर्नमेंट आपसे पूछी गई है। उसके बाद आपसे पूछा गया पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि केरल के अंदर स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपसे पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गरबा नृत्य, तो गरबा नृत्य फ्रेंड्स आपसे, ये गरबा नृत्य है ये गुजरात से संबंधित है, तो गुजरात का ये पूछा गया है। गरबा मतलब एक मटकी होती है, उसके अंदर पानी भरकर उसके ऊपर महिलाएं जो नृत्य करती हैं, ये गरबा नृत्य कहलाता है। अबैंडन का सिनोनिम या एंटोनिम पूछा गया। अबेंडन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को त्यागना, छोड़ना, उसका परित्याग करना। एलिसा की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, देखिए इसकी फुल फॉर्म है आपकी एंजाइम लिंक्ड एम्यूनो सॉर्बेंट एजे, ये आपसे इसकी पूछी गई है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है आपका, वो क्या है इंसोलेंट का आपसे ऑपोजिट पूछा गया। देखिए आपका वही 5 मार्क्स का आपका क्या आ रहा है फ्रेंड्स? पैसेज पूछा जा रहा है, ठीक है। और 2 फिलर्स से क्वेश्चन पूछे गए, आर्टिकल वगैरह से 1-2 क्वेश्चन। इंग्लिश काफ़ी ईजी देखने को मिल रही है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश, मतलब कि जिनका कोई और सेक्शन भी क्लियर नहीं होगा वो इंग्लिश सेक्शन ईजीली क्वालिफाई करेंगे, तो बहुत हेल्प मिलेगी। इंग्लिश काफ़ी ईजी देखने को मिल रही है। फिजिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट बाकी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आशा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।